एक चकवा के तीन प्रश्न। कौन किसके भाग्य का खाता है? संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका क्या अंजाम होता है? तो आइए श्रोताओं, इन रहस्यमय तीनों प्रश्नों को जानते हैं और आज का वीडियो आरंभ करते हैं। श्रोताओं, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि एक वन में एक वृक्ष पर चकवा और चकवी नामक दो पक्षी बैठे हुए थे। रात्रि का समय था तो चकवा और चकवी उस वृक्ष पर बैठे हुए विचार मग्न हैं। श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगा कि चकवा रात्रि को जागता है और सभी जीव सोते हैं, लेकिन चकवा पक्षी ऐसा होता है जो रात्रि को जागता रहता है। तो चकवी चकवा से कहने लगी कि हे चकवा, मेरे मन में तीन प्रश्न पैदा हो रहे हैं और उनका आप मुझे समाधान प्रस्तुत करें, उनका उत्तर प्रस्तुत करें। चकवा बोला, चकवी पूछिए, आपके कौन से प्रश्न हैं? कि हे महाराज, मुझे ये बताओ, कौन किसके भाग्य का खाता है और इस संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और जो अपनी बात से मुकर जाता है, फिर जाता है बात से, उसका क्या अंजाम होता है? चकवा चकवी की बात सुनकर के कहने लगा कि चकवी, तुमने बहुत सुंदर तीन प्रश्न मुझसे पूछे हैं और मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। चकवा चकवी से कह रहा है और चकवी तीनों प्रश्नों के उत्तर चकवा से जानना चाहती है, तो चकवा की बात सुन रही है। तो चकवा कहने लगा कि चकवी, ध्यान से सुन, तुमने तीन बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं और मैं तीनों प्रश्नों का जवाब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तो चकवा चकवी को एक कहानी सुनाता है कि चकवी, ध्यान से सुनना, किसी बिल में एक सर्प रहता था और उस सर्प को एक बाज देख रहा था। तो वह सर्प जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस बाज ने उस सर्प पर झपट्टा मारा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसमें वापस चला गया। फिर घंटे दो घंटे बाद सर्प ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस बाज का निवास भी उसी वृक्ष पर था जिसके नीचे उस सर्प का बिल था। तो जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर प्रहार करता, उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा है कि जब कभी तू निकलेगा मैं तुझे खाऊंगा, अपना भोजन बनाऊंगा। और सर्प उस बाज के डर की वजह से उस बिल में ही छुपा रहता है। जब सर्प को उसमें पड़े हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगा कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वो पराए कष्टों का हरण करते हैं और राजा विक्रम ही ऐसे हैं कि मुझे आजाद करा सकते हैं। हे चकवी, ध्यान से सुनना। तो राजा विक्रम की याद करता हुआ सर्प उस बिल में पड़ा हुआ है और जो भी उस मार्ग से निकलकर जाता उससे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दे या मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका आजीवन एहसान मंद रहूंगा। श्रोताओ, एक दिन की बात है कि महाराज विक्रम उज्जैन नरेश, जो पराये कष्टों का हरण करते थे, वन में आखेट के लिए चले जाते हैं और उसी मार्ग से निकल करके जा रहे थे। जब सर्प ने देखा कि कोई व्यक्ति इस मार्ग से निकल के जा रहा है तो सर्प कहने लगा कि भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका आजीवन एहसान मंद रहूंगा। ये बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा कि क्यों भाई सर्प, क्या कारण है? राजा विक्रम से आपका क्या काम है? तो सर्प कहने लगा कि देखिए श्रीमान जी, राजा विक्रम दूसरे के कष्टों का हरण करते हैं। 6 माह से इसी बिल में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज का निवास स्थान है, घोंसला है, वह बाज मुझ पर उसी समय आक्रमण करता है।
इसलिए ना मैं इस बिल से बाहर निकला और ना मुझे इसमें कुछ खाने को रहा। मैं पड़ा हुआ इसमें बड़ा कष्ट मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का हरण कैसे करूं। श्रोताओं, राजा विक्रम तो पराये दुखों को हरते थे, बड़े प्रतापी राजा थे। तो सर्प कहने लगा कि हे महाराज, मुझे आप जैसे संभव हो वैसे इस बाज से स्वतंत्र करा दीजिए। राजा विक्रम कहने लगे कि बताओ, मैं आपको इस वन में कहीं दूर छोड़ दूंगा कि महाराज ये बाज देख लेगा, जब आप मुझे जहां छोड़ेंगे ये वहीं जाकर के फिर बैठ जाएगा और फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। तो हे राजन, तुम मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे उदर में बैठा लीजिए, तुम्हारे पेट में बैठने के लिए स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं तुम्हारे साथ इस वन में बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगा, ठीक है नागराज, आइए आप मेरे उदर में प्रवेश कर जाइए। श्रोताओं, राजा विक्रम अपना मुंह फाड़ देते हैं और वो नागराज राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। अब देखिए श्रोताओं, चकवा कह रहा है चकवी से कि चकवी ध्यान से सुन, जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस नाग से कहने लगे कि हे नागराज, आप मेरे उदर से बाहर आ जाइए, अब यह सुनसान वन है और इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। ये बात सुनकर के नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम बोले, क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वायदा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके उदर से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, आप मेरे पेट से बाहर निकलिए। सर्प बोला कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है ऐसा उस बिल में नहीं होता, मैं बड़े आराम से मेरा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं अब तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। श्रोताओं, राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि ये बड़ा दुष्ट नाग है, अब मैं क्या करूं, और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम के पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगा। महाराज विक्रम के शरीर में कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब यदि मैं मेरी राजधानी को चलता हूं तो भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं कोढ़ी हूं इस समय और मुझे इसी ही वन में रहकर के इस नागराज का कुछ ना कुछ इलाज करना होगा, इसका कुछ उपाय करना होगा। यह सोच करके महाराज विक्रम एक वृक्ष के नीचे एक झोंपड़ी डाल लेते हैं और उस झोंपड़ी में राजा विक्रम सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ चुचाने लगा, बदबू आने लगी क्योंकि सर्प का जहर था और सर्प कुंडली मार करके राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। श्रोताओं, राजा विक्रम उस वन में पड़े हुए हैं कोड़ी की हालत में। अब इधर देखिए, उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती और उस श्रावस्ती नगरी के महाराज थे तमरध्वज। महाराजा तमरध्वज के तीन पुत्री थी और राजा तमरध्वज बड़ा अहंकारी, बड़ा अहमी और अभिमानी राजा था। तो वो अपनी तीनों पुत्रियों से पूछा करता था कि बताओ पुत्रियों, कौन तुम किसके भाग का खाती हैं। तो दो पुत्री तो राजा की डर की वजह से कह देती कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु हे चकवी, चकवा कह रहा है कि हे चकवी, उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक पुत्री थी। वो चित्ररेखा अपने पिता तमरध्वज से कहती कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपने भाग्य का खाती हूं। श्रोताओं, उस पुत्री की बात उस राजा को बड़ी बुरी लगी। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से राजा कहने लगे तमरध्वज कि हे नाई ब्राह्मणों, मेरी इन दो पुत्रियों का विवाह तो आप किसी राजा के यहां करके आइए और जो ये बड़ी वाली पुत्री है इसका विवाह किसी कोड़ी कलंकी
या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आना है। तो हे चकवी, राजा के आदेश अनुसार नाई और ब्राह्मण चल देते हैं। उन्होंने दो राजा की जो दो पुत्री थी उनके विवाह तो राजवंशों में कर दिए, परंतु तीसरी पुत्री के लिए खोजते खोजते वो कोई किसी कोड़ी या किसी गरीब वृद्ध या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसकी तलाश में थे, तो उस वन से निकल करके जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोंपड़ी में कोड़ी के भेष में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोड़ बह रहा था, तो राजा विक्रम को देख करके नाई और ब्राह्मण कहने लगे कि इससे अच्छा उपयुक्त व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसी के लिए राजा की लड़की का संबंध कर चलते हैं। श्रोताओं, राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा तमरध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर लिया और राजा ने भी आनन फानन में बहुत जल्दी ही चित्ररेखा को उसी वन में ले जा करके वहीं उस कोड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। हे चकवी, चकवा कह रहा है, देखिए राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी समय की चपेट के अंदर आ गए और वो एक कोड़ी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह लड़की बड़ी पतिव्रता थी, वह अपने पति की सेवा किया करती थी, राजा विक्रम की प्रतिदिन सेवा करती थी। और जो दो पुत्रियां थी वो तो बड़े बड़े अच्छे राजाओं के घर में गई थी, तो वो तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्ररेखा विक्रमादित्य के साथ दुखी जीवन काट रही थी। हे श्रोताओं, चकवा कहने लगा कि चकवी ध्यान से सुन, जो अपने नियम सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसे हमेशा सुखी रखना ही पसंद करता है। ईश्वर हमेशा उसे आनंद प्रदान करता है, उसे सुख प्रदान करता है। इसलिए हे चकवी, जब उस झोपड़ी पर रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, तो उस झोपड़ी में के पास एक वृक्ष था पीपल का और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। तो एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे, रात्रि का समय था और चित्ररेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी, पंखा ढाल रही थी, उनको हवा कर रही थी। श्रोताओं, उसी समय उस बिल में से वो नागराज बाहर निकलता है और बाहर निकल करके जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगा, अरे दुष्ट, अरे बेकौली सर्प, तू अपने वचनों से मुकर गया। तैने कहा था इस महाराज विक्रम से कि मैं वन में जाकर के तुम्हारे उधर से बाहर निकल जाऊंगा और तुम ऐसे पराक्रमी और परोपकारी राजा के पेट में जाकर के बैठ गए। तुम्हारे जहर की वजह से राजा के पूरे शरीर से कोड़ निकल आया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने कितना गलत कार्य किया है, क्योंकि इतने समय में महाराज विक्रम न जाने कितने जीवों का कष्ट हरण करते। तो वो नागराज कह रहा है, यदि कोई सुन रहा हो तो दुष्ट सर्प, मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगाजल लाकर के इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। श्रोताओं, अब तो जो राजा के उदर के अंदर बैठा हुआ सर्प था वो उस सर्प से दूसरे सर्प से कहने लगा कि तुझ जैसा भी मैंने कोई नहीं देखा, तू भी बहुत विशाल धन पर अपनी कुंडली मार करके बैठा है। यदि वह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो उससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं, यदि कोई सुन रहा हो तो। वो सर्प कहने लगा राजा के पेट के अंदर से, यदि कोई एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो तू उसी समय नष्ट हो जाएगा और इस स्थान को खोदेगा तो यहां अपार धन संपत्ति निकलेगी। श्रोताओं, उस बात को राजा तमरध्वज की लड़की चित्ररेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्ररेखा को मन में विचार आया कि ये राजा विक्रम है और इनके उदर के अंदर एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोड़ निकल रहा है।
तो वह बेचारी चित्ररेखा किसी ऋषि के आश्रम में पहुंचती है और उन ऋषियों से अनुरोध करती है कि हे महात्माओं, मुझे एक गिलास गंगाजल की आवश्यकता है। ऋषि कहने लगे, पुत्री तू कौन है और गंगाजल का क्या करेगी? तो चित्ररेखा कहने लगी कि देखो ऋषियों, मेरे पति के लिए मुझे दवा बनानी है, दवाई की आवश्यकता है और उसमें गंगाजल चाहिए। तो उनमें से एक ऋषि कहने लगा, ठीक है, इस पुत्री को एक गिलास गंगाजल दे दिया जाए। तो श्रोताओं, उन ऋषियों ने उस राजकुमारी चित्ररेखा को एक गिलास में गंगाजल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगाजल को लेकर के चलती है और आ जाती है महाराज विक्रम के पास। महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, ये दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसको ग्रहण करें। श्रोताओं, राजा विक्रम उस गंगाजल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगाजल का पान किया तो उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। सर्प नष्ट हो गया और धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल गया। अब तो राजा का शरीर कांतिमान होने लगा, उनका कोढ़ सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया, राजा पूर्ववत हो गए। अब श्रोताओं, राजा विक्रम से वो चित्ररेखा कहने लगी कि देखो महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इस शहर को नहीं जा सकती, मैं पतिव्रता हूं, इसलिए आपसे एक अनुरोध करती हूं कि आप इस शहर को जाएं और जहां भी आपको मिले किसी दुकानदार के यहां से एक पीपा तेल लेकर के आएं। राजा विक्रम कहने लगे कि हे चित्रा, तुम उस तेल का क्या करोगी? कि नहीं महाराज, आप लेकर के तो आए। श्रोताओं, चित्रा की बात सुनकर के राजा विक्रम उस बाजार को जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर के आते हैं। चित्रा वहां अग्नि प्रज्वलित करती है और उस अग्नि पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके जो सर्प उस बिल में रहता था उसके बिल में उड़ेल देती है। और जैसे ही बिल में वो गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। श्रोताओं, राजा विक्रम से चित्रा कहने लगी कि महाराज, इस स्थान को खोदिए। राजा विक्रम कहने लगा, क्यों चित्रा? कि नहीं महाराज, आप खोदिए। तो जब राजा विक्रम ने वह स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रा कहने लगी राजा विक्रम से कि महाराज, देखिए, मैं जानती हूं कि आज आप उज्जैन नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, मुझे एक कोड़ी के लिए दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे कि रानी, तुम कैसी बात करती हो, हम उज्जैन नरेश हैं, यहां महल क्यों बनवाएं, आप उज्जैन को चलिए। परंतु श्रोताओं, राजा विक्रम के कहने के बाद भी चित्रा उसी वन में बहुत भव्य एक शानदार महल का निर्माण कराती हैं। अब देखिए श्रोताओं, चकवा कह रहा है चकवी से कि हे चकवी, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं है। जिसका समय अच्छा होता है वो आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वो पतन की ओर अग्रसित हो जाता है। तो चकवा चकवी से बोला कि चकवी, ध्यान से सुन, राजा तमरध्वज पर जो चित्ररेखा का पिता था, एक दूसरा नरेश आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में राजा तमरध्वज पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं और राजा अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए वन को निकल जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र, बेहाल और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के पास से गुजरता है, उसी के पास से निकलता है। तो चित्रा अपने पिता को पहचान जाती है। चित्रा ने एक सेवक भेजा और सेवक भेज करके महाराज तमरध्वज, जो कि एक फटे हुए हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उसको बुलवाया। तमरध्वज ने सोचा
कि ये न जाने कौन है और मुझे क्यों बुला रही है। जब राजा तमरध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा तमरध्वज से कहने लगी कि देखो पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे ये कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, तो देखिए मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती। आपने मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए मैं राजा विक्रम उज्जैन नरेश की पत्नी हूं। श्रोताओं, राजा तमरध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने उस जघन्य कृत्य के लिए क्षमा मांगता है। तो चकवा कहने लगा कि चकवी, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। कोई ये सोचता है कि ये मेरा खा रहा है, नहीं, कोई किसी का नहीं खाता। जो कोई खाता है वो अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप ये ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है। श्रोताओं, और जो चकवा कह रहा है कि हे चकवी, जो अपनी बात को कहकर मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और अन्याय का अंत होता है। हे चकवी, इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रा ने राजा तमरध्वज का बड़ा स्वागत किया और राजा विक्रम महाराज तमरध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और बाद में महाराज विक्रम ने अपनी सेना राजा तमरध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने तमरध्वज को पराजित किया था उसे श्रावस्ती से निकलवाया, अर्थात उस राजा को परास्त किया और महाराज तमरध्वज का राज्य वापस प्राप्त किया। तो देखिए श्रोताओं, ये होता है भाग्य का खेल। जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम तुम तो अपने परिवार का ही पालन करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वो पूरे संसार का, हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें चकवा और चकवी की प्रश्नोत्तरी थी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।